मुंबई सपनों का शहर जो रात की चकाचौंध और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। लेकिन आज से ठीक 70 साल पहले मुंबई की एक और पहचान थी, एक पहचान जो अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए जानी जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के उस दौर की जब ये शहर क्राइम की दुनिया का सेंटर हुआ करता था, जब मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन की तूती बोलती थी। समय बदला और मुंबई ने अपनी पहचान बदली, लेकिन लगता है कि मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड का राज शुरू होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंदे फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर अंडरवर्ल्ड के उभरते डॉन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में होने वाला है। वीडियो में हम जानेंगे कि सलमान खान को जान की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई आखिर है कौन, लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह आखिर किसे अपना निशाना बनाता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई का क्या कनेक्शन है और क्या दाऊद इब्राहिम के बाद लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का नया डॉन बनने वाला है। 12 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकलते हैं। अपने बेटे के ऑफिस के पास ही के एक मंदिर में वे लोगों के साथ पटाखे फोड़ते हैं। ये वो समय था जब नवरात्रि के बाद माता का विसर्जन होने वाला था और उसी को लेकर प्रोग्राम चल रहा था कि अचानक 3 लड़के सिद्दीकी की तरफ आते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। गोली उनके सीने में लग जाती है, जिसके तुरंत बाद उन्हें पास के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से रात के लगभग 11 बजे उनकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, जिसके बाद 3 शूटर्स में से 2 को, करनेल सिंह जो कि पंजाब से है और दूसरा धर्मराज कश्यप जो कि हरियाणा से है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है और तीसरा शूटर शिव कुमार जिसके पीछे अभी पुलिस लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस एक और शूटर मोहम्मद जुशान अख्तर का भी नाम बताते हैं। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलता है कि शिव कुमार गौतम और धर्मराज कश्यप को पुणे के प्रवीण लोंगकार ने 50,000 रुपए में हायर किया था, जिसके बाद पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। पता चलता है कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए ये चारों शूटर्स 1 महीने से सिद्दीकी की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड आखिर था कौन। बता दें कि इस केस से लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है। सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने करवाई है। वो इसलिए क्योंकि सिद्दीकी की हत्या के ठीक अगले दिन एक्स पर शुभ ओलंकार महाराष्ट्र के प्रोफाइल से एक पोस्ट आता है, जिसमें लिखा होता है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। बता दें कि शुभ ओलंकार बिश्नोई गैंग के जाने माने मेंबर है, जिसे इसी साल 23 जनवरी को गिरफ्तार भी किया गया था और इसी पोस्ट के बाद से इस केस से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन देखा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हमेशा सलमान खान के साथ उठता आया है। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान को मारने की धमकी दे चुके लॉरेंस बिश्नोई का नाम फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से भी जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल है कि एक अपराधी जो 10 सालों से जेल में सजा काट रहा है, आखिर वो है कौन और वो कैसे जेल से अपनी गैंग को मैनेज करता है। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक गाँव में किसान के घर सतविंदर सिंह का जन्म होता है। सतविंदर के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस बल छोड़ दिया और खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। सतविंदर ने 12वीं कक्षा तक अबोहर के एक स्कूल से पढ़ाई की और फिर चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने छात्र राजनीति में हिस्सा लिया और गैंगस्टर गोल्डी बराड से दोस्ती की। सतविंदर ने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की और इसके बाद सतविंदर ने LLB छोड़ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना कदम रखा और अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई कर लिया। आज ये नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम बन चुका है। लॉरेंस अपने नाम पर एक गैंग भी चलाता है जिसका नाम बिश्नोई गैंग है। इस गैंग के कई आपराधिक मामले हैं, जिनमें धमकी देकर पैसे मांगना, अवैध तस्करी और प्लान मर्डर शामिल है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई का गैंग 700 शूटरों के साथ काम करता है और इस गैंग को 10 साल से लॉरेंस जेल से लीड कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो 2008 से ही इस पर कई लोगों की हत्या का आरोप है। 2008 में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में खड़े उम्मीदवार को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसे पहली बार 2 महीने की जेल हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस फिर से छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। 2010 में उसने कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्तों ने जीते हुए उम्मीदवार के हाथ पैर तोड़ दिए। उसे कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने छात्र राजनीति पर ध्यान दिया और 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड से हुई थी। गोल्डी बराड भी NIA की वांटेड लिस्ट में है। 2012 में ग्रेजुएट होने के बाद भी
उसने छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखा। रिपोर्ट्स बताते हैं कि 2013 में मुक्तसर के सरकारी कॉलेज के चुनाव में जब लॉरेंस का उम्मीदवार चुनाव हार गया तो उसने जीतने वाले उम्मीदवार की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, लुधियाना नगर निगम चुनाव में उसने अपने दोस्त के चचेरे भाई के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को भी गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद लॉरेंस को काफी समय तक जयपुर में अपने दोस्त के यहाँ छिप कर रहना पड़ा। लेकिन 2014 में उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी साल जब उसे पेशी के लिए अदालत ले जाया जा रहा था तब वो पुलिस की कस्टडी से भी भाग गया था। लेकिन 2016 से उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से वो अभी तक जेल में है। भले ही लॉरेंस जेल में है लेकिन उसके क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अभी गैंग को संभालता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VOIP के जरिए कॉल करता है। इसमें इंटरनेट से कॉल किया जाता है, ऐसी कॉल को ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल होता है। ये तो रही लॉरेंस बिश्नोई की बात, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से क्या दुश्मनी है? बात है 1998 की। सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। बताया जाता है कि उसी समय सलमान खान ने 2 ब्लैक बक्स का शिकार किया, जिसके बाद उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि सलमान खान को जल्द ही बेल भी मिल गई थी, लेकिन ये बात लॉरेंस बिश्नोई को नहीं पची, क्योंकि ब्लैक बक्स बिश्नोई समाज के लिए पवित्र माने जाते हैं और वो इसे गुरु जम्बेश्वर भगवान का पुनर्जन्म मानते हैं। और इसी घटना के बाद से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है। लेकिन इतने साल पुराने बात पर अभी बदला लेना, ये कुछ समझ नहीं आता। खैर जो भी हो, इन सबके बीच एक और सवाल है कि लॉरेंस का सिद्दीकी के मर्डर से क्या कनेक्शन है? बाबा सिद्दीकी का बैकग्राउंड दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जाता है। हालांकि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के स्टार्स में काफी चर्चित भी है। उनकी एनुअल इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड की कई हस्तियां जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, शिल्पा शेट्टी अक्सर देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सालों से चल रही दुश्मनी को सुलझाने वाले भी बाबा सिद्दीकी ही थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, क्योंकि जो पोस्ट एक्स पर किया गया है उसमें ये साफ लिखा है कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब कर ले। इस तरह सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी के मर्डर का कारण बताया जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो वक्त के साथ चल ही जाएगा। लेकिन इसी बीच लॉरेंस को मुंबई के अंडरवर्ल्ड का उभरता डॉन बताया जा रहा है, क्योंकि 30 साल बाद पहली बार मुंबई के बीचों बीच किसी हाई प्रोफाइल का मर्डर देखने को मिला है, जिसे कि किसी डॉन ने जेल बैठे बैठे करवाया है। ये सोचने वाली बात है कि एक गैंगस्टर जिस पर कई लोगों के मर्डर के चार्जेस लगे हैं, उसे जेल में इतनी फैसिलिटीज आखिर दे कौन रहा है, जिससे वो जेल में बैठे बैठे अपनी गैंग को लीड करता है। इतना ही नहीं, कैसे ये आदमी जेल से हाई प्रोफाइल के लोगों को शूट करवाता है? बता दे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही की थी, और बावजूद इसके लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम सलमान खान को धमकी देता नजर आता है। इन सब बातों से ये तो साफ है कि लॉरेंस हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक डॉन के बाद अंडरवर्ल्ड में अब जगह लेना चाहता है। खैर जो भी हो, आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध फर्स्ट।